आगामी आने वाले नवरात्रि के गरबा में आने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय पर बात करते हुए कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि ये गलत निर्णय है, ये लोगों में विभाजन करने का काम है, इसका हम विरोध करते हैं। देखियो, ये सब गलत बात है, लोगों को विभाजित करने की काम चल रहे हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लोगों को, समाज को विभाजित करने का काम करते रहते हैं। लोग इसके इनकार कर दिया है। देश एक है, देश में सारे लोगों को लेके चलने की बात है। दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी ने हमारे समाज को पूरा विभाजित करके लोगों में घृणा करने की पैदा कोशिश हो रही है। हम लोग इसके खिलाफ़ है, हम लोग इसको सारे लोगों को लेकर के इसको मुकाबला करेंगे।